सो गाइज अपना जो है मिर्ची वो कटिंग हो चुका है। सो गाइज इस पर थोड़ा सा डाला जाएगा अभी फ़िलहाल पानी, क्योंकि ये जो मसाला है थोड़ा सा चिपक रहा है। तो गाइज ऐसा जो है पूरा अपना माहौल है और इसमें अब हम लोग खाएंगे पनीर। तो गाइज यहाँ पे अपना देख सकते हो पनीर आ चुका है, यहाँ पे अपना पूरा देख सकते हो स्नैक्स आ चुका है, यहाँ पे है अपना स्प्राइट, यहाँ पे दोनों लोग और मैं खुद यहाँ पे। तो गाइज सबसे पहले इंजॉय करते हैं क्योंकि पकोड़ा ठंडा हो जाने के बाद अच्छा नहीं लगेगा, तो अपना खाना स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज वेलकम टू अनदर कैंपिंग वीडियो। सो गाइज अभी जो है लोकेशन के अंदर पहुंच चुके हैं, देख सकते हो पूरा डीप और घना जंगल है और अपना जो बाइक है उधर लगा हुआ है। तो चलो फटाफट से इधर टेंट पिच करते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फटाफट से चलो टेंट पिच करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइज़ अपना जो है टेंट वगैरह पिच हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो अपना टेंट पिच होके रेडी हो चुका है। अभी वो लोग वहाँ पे बैठा हुआ है देख सकते हो, एंड अपना जो टेंट वगैरह पिच होने के बाद अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, इसके बाद आपसे मिलते हैं। और आज का प्रोग्राम कुछ डिफरेंट है, तो डिफरेंट ट्राई करेंगे ड्राई फ्राई, क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो ना ही नॉनवेज और ना ही आपका लहसुन और प्याज कुछ यूज़ नहीं होगा, तो कुछ अलग आइटम होने वाला है, पनीर का आइटम होने वाला है। तो वीडियो पर बने रहो, मज़ा बहुत आने वाला है। तो गाइज़ चलो थोड़ा सा पहले टेंट के अंदर रेस्ट करते हैं। तो गाइज अपना जो चूल्हा है वो सेटिंग हो चुका है, सबसे पहले इस पे डाल देते हैं ऑयल हीट होने के लिए मीडियम फ्लेम पे, इसके बाद करते हैं पनीर का कटिंग और फिर उसको मैरिनेट करते हैं। तो सबसे पहले गैस जलाते हैं। हीट होगा तब तक पनीर का कटिंग कर लेते हैं। करते हैं पनीर को कट, तब तक इधर हो रहा है अपना जो है ऑयल हीट, तो छोटा छोटा पीस में इसको काटेंगे। तक इधर अपना मसाले जो है वो रेडी कर लेते हैं। बेसन, इस पे जाएगा हल्दी, नमक, तीखा लाल मिर्च, अब इसको करेंगे मिक्स।
तो गाइज देख सकते हो अपना जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। ऑयल भी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। उधर अपना जो पनीर है वो भी कटिंग हो चुका है। तो चलो सबसे पहले पनीर को इस पे डिप करेंगे और इसके बाद ऑयल में डालेंगे। तो प्रक्रिया चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। ये देख सकते हो सन ऑलमोस्ट हमारे हेड पे है एंड पूरा डीप जंगल के अंदर है हम लोग। तो फटाफट से ऑयल हीट हो चुका है तो पहले पनीर रेडी करते हैं। हीट बहुत ज़्यादा हो गया है गाइस देख सकते हैं। इसको ऑलरेडी सिर्फ ट्राई करने के लिए डाल रहे हैं क्योंकि मैरिनेट अभी हुआ नहीं है अच्छे से। तो गाइस अभी देख सकते हो किस तरह से फ्राई हो रहा है। वहाँ पे हमने मैरिनेट करके कुछ 5-6 पीस रखा हुआ है ताकि नेक्स्ट राउंड में डाला जाए। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्राई किया हुआ है। फर्स्ट टाइम में ऑयल ज़्यादा हीट हो गया था जिसके वजह से एक आध दो पीस जल गया। बाकी देख सकते हो किस तरह का कलर आया हो। बाकी पूरा फ्राई करते हैं इसके बाद आपसे मिलते हैं। बाकी कढ़ाई के अंदर पे भी देख सकते हो अभी अवेलेबल है। ये हटा दे दूसरा। तो गाइज अपना जो है पनीर फ्राई ऑलमोस्ट हो चुका है तो अभी ट्राई करते हैं चाट मसाला के साथ इसको थोड़ा सा इस पर डालते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि आपको कैसा बना हुआ है। तो ये देख सकते हो तो इसको ट्राई करते हैं इसके बाद बताते हैं आपको टेस्ट। सो गाइस इसका टेस्ट ऑलमोस्ट बहुत मस्त हो रखा है और चाट मसाले के साथ इसका और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन इस पर थोड़ा काला नमक रहता तो और ज़्यादा मज़ा आता। तो चलो अभी पूरा निकालते हैं इसके बाद डायरेक्टली आपको मिलते हैं खाने में। इसको ट्राई करेंगे इसके बाद कुछ मैगी वगैरह बनाएंगे और खाएंगे। तो गाइज ऐसा जो है पूरा अपना माहौल है और इसमें अब हम लोग खाएंगे पनीर। तो गाइज यहाँ पे अपना देख सकते हो पनीर आ चुका है। यहाँ पे अपना पूरा देख सकते हो स्नैक्स आ चुका है। यहाँ पे है अपना स्प्राइट, यहाँ पे दोनों लोग और मैं खुद यहाँ पे। तो गाइज सबसे पहले इंजॉय करते हैं क्योंकि पकोड़ा ठंडा हो जाने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। तो अपना खाना स्टार्ट करते हैं और इसके बाद खाने के बाद मिलते हैं डायरेक्टली आपको मैगी बनाने में और बाकी यहाँ का तब तक नज़ारा आप इंजॉय करो। सो गाइज वहाँ देख सकते हो अपना टेंट है, वहाँ पे अपना ट्राइपॉड, इधर का पूरा व्यू देख लो कैसा है और इधर देख सकते हो पूरा एकदम अच्छा खासा माहौल के साथ अपना जो है वो पकोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। आप थोड़ा सा नज़ारे का मज़ा लो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये डीप फॉरेस्ट में जो कैंपिंग आज हो रहा है ये आपको कैसा लग रहा है। तो चलो पहले खाते हैं इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं।
अपना पकौड़ा वगैरह खा चुके हैं, अभी आप प्रिपरेशन करते हैं मैगी का, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग चुका है और टाइम देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो नाइट वगैरह का सीन आपको अप्रॉक्स आएगा ही आएगा। देख सकते हो पूरा जो है जंगल पूरा अंधेरा के अंदर डूब चुका है लगभग, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल चलो मैगी का प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सारे बर्तन वगैरह जो है वो खा पी के धुल चुके हैं, तो चलो अभी फ़िलहाल मैगी का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, इसके बाद खाते हैं मैगी, इसके बाद आपसे मिलते हैं एंड देन यहाँ से पैकिंग वगैरह करके अपने घर की ओर चलेंगे। तो फिलहाल चलो मैगी का प्रिपरेशन करते हैं। तो गाइज अपना जो चूल्हा है वो रेडी हो चुका है एंड देन वहाँ पे मग में पानी लिया जा रहा है, क्योंकि अपने को उबालना है यहाँ पे मैगी। तो यहाँ पे गैस मैंने ऑन कर दिया है एंड यहाँ पे डाला जाएगा अब जो है पानी। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अपना जो है पानी आ चुका है एंड यहाँ पे अपना जाएगा 3 पीस जो है वो मैगी, यहाँ पे देख सकते हो ओरिजिनल जो है वो मैगी इसके अंदर जाएगा, इस पे जा रहा है मैगी देख सकते हो। एंड अपना जो है 3 मैगी अपने पास है, तो ये पूरा का पूरा 3 मैगी पानी के अंदर जाएगा, उबलता है, इसके बाद आपको रिजल्ट दिखाते हैं। सो गाइज अपना जो है मैगी वो ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो अपना जो है प्याज बोल रहा है आपको, मिर्ची जो है ना वो कटिंग हो रहा है, क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो अपने पास प्याज रहते हुए भी यहाँ पे देख सकते हो प्याज रहते हुए भी अपन प्याज नहीं डालेंगे, प्याज अपना जो है साइड पे है, बाकी यहाँ पे मैगी अपना उबल रहा है, वहाँ पे देख सकते हो एक बंदा बैठा हुआ है और इधर अपना जो है वर्किंग कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो इंद्रदेव नाम है, आप लोग कमेंट जरूर करना ठीक है। एंड यहाँ पे मिर्ची वगैरह कटिंग होगा, इसके बाद इस पे अपना जो है वो मैगी बनेगा, तभी फ़िलहाल यहाँ मैगी उबल रहा है तो इसको उबलने देते हैं। सो गाइस अपना तवा में जो है वो ऑयल जा चुका है, यहाँ पे देख सकते हो मैगी अपना ऑलमोस्ट उबल चुका है एंड इसको थोड़ा देर और रहने देते हैं, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा गर्म पानी की वजह से, बाकी यहाँ पे अपना जो ऑयल है वो हीट हो रहा है, ऑयल हीट होने के बाद इस पे डालेंगे मिर्ची अपना जो कि कटिंग हो रहा है, तो फिलहाल फटाक से अपना जो है मिर्ची वगैरह कटिंग होता है, देन इसके बाद इस पे मिर्ची वगैरह जाएगा, देन इसके बाद मैगी जाएगा और बाकी जो मसाले वगैरह हैं वो भी अपने डालेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो मिर्ची है वो कटिंग हो रहा है। सो गाइस अपना जो है मिर्ची वो कटिंग हो चुका है, अब वो जाएगा इस पे। तो गाइस इस पे मिर्ची जो है वो जा चुका है एंड इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं, इसके बाद इस पे डालते हैं अपना जो है वो मसाले एंड देन इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई करते हैं एंड इसके बाद इस पे डालेंगे जो है वो अपना मैगी। तो गाइस यहाँ मसाला वगैरह सारा चीज मिक्स हो गया था, ये देख सकते हो पूरा जो अपना जो है मसाला एंड यहाँ पे अपना जो है मैगी वो डल चुका है एंड अभी फ़िलहाल मैगी को अच्छे से फ्राई करते हैं, इसके बाद इसको खाते हैं। तो चलो अच्छे से इसको पहले फ्राई कर लेते हैं। सो गाइस इस पे थोड़ा सा डाला जाएगा अभी फ़िलहाल पानी, क्योंकि ये जो मसाला है थोड़ा सा चिपक रहा है, इसलिए इस पर थोड़ा सा भी पानी डालेंगे एंड यहाँ पे देख सकते हो ये गया थोड़ा सा पानी, अब इसको थोड़ा सा उबालेंगे, इसके बाद ये हो जाएगा रेडी टू ईट। सो गाइस अपना जो है वो मैगी वो रेडी है ऑलमोस्ट, देख सकते हो कुछ ऐसे फ्लेवर के साथ अपना जो मैगी है वो रेडी हो चुका है एंड देन अपना जो है बर्तन वगैरह ऑलमोस्ट साफ है, बाकी यहाँ पे देख सकते हो अपने जो है मसाले हैं, बाकी यहाँ पे प्लेट है, बाकी यहाँ पे देख सकते हो अपना जो है वो मैगी वो ऑलमोस्ट रेडी है गाइस, देख सकते हो रेडी टू ईट, क्या ही कलर आया है देख सकते हो। एंड गाइस अभी खाते हैं मैगी एंड देन आप इंजॉय करो इस एनवायरनमेंट को एंड देन खाने वगैरह के बाद अपना जो है पैकिंग वगैरह करते हैं, इसके बाद यहाँ से निकलते हैं अपने घर की ओर, क्योंकि अभी चल रहा है नवरात्रि और कल है अष्टमी गाइस, लेकिन फिर भी अपन जो है वो अपन कैंपिंग के लिए आए हुए हैं। तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह के यूनिक व्लॉग के लिए। तब तक के लिए हम अपना जो है क्या बोलते हैं
ये मैगी जो है वो इंजॉय करते हैं। एंड आप लोग वीडियो को लाइक करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहो जिस तरह शुरू से करते आ रहे हो। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग खाते हैं एंड यहाँ से अपना पैकिंग करके निकलते हैं, तब तक आप लोग इस नज़ारे का मजा लो गाइस। सो गाइस अपना जो मैगी है वो रेडी हो चुका है, चलो प्लेट के अंदर निकालते हैं एंड देन इसके बाद आपको टेस्ट करके बताते हैं गाइस ये कैसा लगा है। फिलहाल अपना जो कचरा है वो फिलहाल एक साइड कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास बहुत ज़्यादा कचरा है गाइस, देख सकते हो अपने पास जो है ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कचरा है। यानी यहाँ पे मसाले हैं, यहाँ पे ये है। तो गाइस अपना जो है प्लेट वगैरह जो है वो लगा लेते हैं एंड देन इसके बाद खाते टाइम आपसे मिलते हैं। इसकी एक्चुअली में रियल में इसका जो टेस्ट है वो कैसा है देख सकते हो। अपन जो है प्लेट के अंदर यहाँ पे निकाल रहे हैं, देख सकते हो। तो तीनों प्लेट के अंदर निकल चुका है गाइस, ये देखो। सो गाइस देख सकते हो अपना जो है वो मैगी वो ऑलमोस्ट निकल चुका है, बाकी इतना जो है अपना जो खाली जगह है वो इधर कचरा वगैरह फैला हुआ है। बाकी जब यहाँ से निकलेंगे तो अपना जो कचरा वगैरह है जो अपने के साथ पिकअप कर लेंगे, देन सामने कहीं पे भी डस्टबिन वगैरह में फेंक देंगे। तो फिलहाल लो उठाओ। सो गाइस यहाँ पर राजकुमार उठा चुका है, टेस्ट करके बताएगा कैसा लगा है। बाकी यहाँ पे अपना भी है, बाकी देखते हैं टेस्ट करके कैसा टेस्ट लगता है। एंड मस्त बना है। चलो एक का रिव्यू मस्त आ चुका है, अपन टेस्ट करते हैं। इसके बाद आपको टेस्ट थोड़ा सा समझाते हैं कि एक्चुअली में रियल में हुआ कैसा है। तो ये रहा अपना मैगी, देख सकते हो। वाओ क्या ही मस्त बना है यार, ये देखो। वाओ थोड़ा सा नमक ज्यादा है लेकिन एक नंबर टेस्ट है गाइस, पूरा खतरनाक। पकौड़े से ज्यादा इस पे मेहनत करा है हमने, बाकी अपना जरा देखो। अपन सामने डीप जंगल है, इधर अपन वो लोग खा रहे हैं, बाकी इधर पूरा जो है डीप जंगल है, इधर भी डीप जंगल है, हर जगह डीप जंगल है। और यहाँ पे अपन ये देखो क्या है, अपन मैगी खा रहे हैं गाइस। बहुत ही ज्यादा मस्त गाइस अपना जो खाना पीना है वो लगभग हो चुका है एंड अपना जो है टेंट वगैरह वो जो देख सकते हो वहाँ पे पैकिंग वगैरह करेंगे। इसके बाद यहाँ से अपन निकलेंगे एंड घर की ओर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है गाइस। एंड यहाँ पे इतना ज़्यादा डीप जंगल पे ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करना, क्योंकि व्यूज़ वगैरह भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते, लाइक वगैरह भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते, कमेंट वगैरह भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते, रिस्क बनना पॉसिबल नहीं है गाइस। देख सकते हो कम डीप जंगल के अंदर हूँ, पूरा ज़्यादा डीप जंगल के अंदर हो गाइस। तो देन चलो अभी पैकिंग वगैरह करते हैं, इसके बाद निकलते हैं अपने घर की ओर। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी अपना जो टेंट है पैक करते हैं, इसके बाद यहाँ से निकलते हैं गाइस।